असम व्यूवर्स, मैं अस्कर चौधरी। व्यूवर्स, 4-5 दिन के दंगा मुश्ती और एक शदीद दंगल के बाद आज TLP के ऊपर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वाकफान हाल तो ये कहते हैं कि इस ये जो कुछ भी एक्शन हुआ और एक्शन रीप्ले हुआ है, जो ट्रेलर चला है और जो फिल्म चली है, इसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो कप्तान को होगा। अगर हम जरा माजी की थोड़ी सी बात करें तो जुल्फकार अली भुट्टो शेख के दौर में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली थी और उस तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का जो आफ्टर ऑल नुकसान उठाना पड़ा था वो जुल्फकार अली भुट्टो शेख को उठाना पड़ा था। इसी तरीके से उसके बाद की अगर हम बात करें तो जनाब परवेज मुशर्रफ के दौर में जब लाल मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन का आगाज हुआ, उस वक्त वजीर दाखिला थे आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, वजीर मजहबी अमूर थे एजाज अलहक, और उस ऑपरेशन का खमियाजा पूरी कौम ने भुगता है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने भुगता है, 50,000 से ज्यादा हमारी इंसानी जानें जाया हुई हैं। और सबसे ज्यादा उस पर जो नुकसान का सामना हुआ है वो हुआ है वजीर दाखिला आफ्ताब अहमद खान शेरपाव। इजाज़ अल्लाह वाकफान निहाल ये बताते हैं कि जगह जगह पर माफ़ी मांगते फिर रहे थे, और इसी तरीके से चौधरी बरादरान, शेख रशीद, ये सारे मलबा डाल रहे थे वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ के ऊपर और उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर कि उनकी वजह से ये सारा हुआ, ये खुद बरी ज़िम्मा हो रहे थे, मगर फिर भी इन्हें भुगतना पड़ा और फर्जंदे पिंडी जो हैं उन्हें पिंडी की गलियों में भी वो नहीं जा सकते थे। उसके बाद एक और वाक्या रुनमा हुआ सबका दौर में, और उस वक्त जब इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का वो मुसवदा सामने आया जिसमें हलफनामे का मामला सामने आया, तो उस इशू को उठाया जमीयत उलमाए इस्लाम के सीनेटर हाफिज हमदुल्ला ने, मगर कौमी असम्बली के अंदर ये क्रेडिट ले लिया अपने सर, चूंकि फन खताबत में तो अपना सानी नहीं रखते फर्जंदे पिंडी, इसलिए वो मुजाहिद खत्म नबूत बन गए और इसी मुजाहिद खत्म नबूत के लोगों को नारे को लेके वो इलेक्शन में उतरे और गली गली घर घर जाके यही कहते रहे, और आज भी उनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं जब वो हुकूमत को, उस वक्त की हुकूमत को तंबीह कर रहे थे। गो के इस सारे इशू के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जूती क्लब में शामिल होना पड़ा, उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को गोली खानी पड़ी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुंह पर कालक डाली। फिर ये नया दौर शुरू हुआ, 6 माह कबल एक धरना था, उस धरने को खत्म करने के लिए हुकूमत ने रवायती न्यायालय और डंग टपाओ पॉलिसी को अपनाया, एक काम जो उनके लिए मुमकिन ही नहीं था उस काम के ऊपर उन्होंने मायदा कर लिया, और आज जब उस मायदे को के वक्त को करीब आने में महज चंद दिन रह गए तो TLP के सरबरा हाफिज साद रिज़वी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद TLP की जानब से वही जो तरीकाकार अपनाया गया जो माजी में था, ताहम मुजाहरे की जगह इस दफ़ा पुरतशद्दत मुजाहरे शुरू हो गए। वाकफान हाल तो इसमें भी ये कहते हैं कि जो पुलिस का एक्शन था उसके रिएक्शन में TLP के कारकुनों ने ये पुरतशद्दत मुजाहरे किए। कबल अज़ीं कोई ऐसा वाकया की रिपोर्ट नहीं हुआ था कि उस तशद्दत से पहले TLP के कारकुनों की जानब से कोई ऐसा अमल सड़कों के ऊपर किया गया हो, जबकि दूसरी जानब मीडिया को देखे तो मीडिया जो आज वही काम कर रहे जो उसने लाल मस्जिद ऑपरेशन के वक्त सरेंडर किया था, आज वही मीडिया वन साइडेड सारी खबरें चला रहा है। जो इस साने में पुलिस अहलकार शहीद हुए हैं हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, जो जख्मी हुए हैं उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करते हैं, मगर दूसरी जानब हमें यह भी देखना होगा कि वो बारिश, वो नौजवान जो आज के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो भी तो शहीद हुए हैं, और फिर इसको हम किस तरीके से नज़रअंदाज कर सकते हैं। बेशुमार फुटेज इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बिलखसूस ट्विटर के ऊपर मौजूद है, फेसबुक के ऊपर मौजूद है, कि जिस तरह पुलिस अहलकार खुद मोटरसाइकिलों को तोड़ रहे हैं, एम्बुलेंस पर लाठियां बरसा रहे हैं, बसों के शीशे तोड़ रहे हैं,
फिर जिस तरीके से मगवियों को गिरफ्तार किया जाता है, उनको एक लाइन बना के उन्हें ले जाया जाता है, फिर जिस तरह एक बारिश और एक शख्स को जमीन पर लटा के उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, ये भी तो फुटेज मौजूद है। इस सारे तनाजर में जो वाकफान हाल ये कह रहे हैं और इस्लामाबाद के जो सहाफती हलके ये कह रहे हैं कि फर्जंद रावलपिंडी जो कि हमेशा ट्रेन बदलने में अपना सानी नहीं रखते, जैसे ही देखते हैं एक ट्रेन का स्टेशन खत्म हो रहा है और नई ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, उनका किरदार सबसे अहम तरीन है। वो वजीर दाखिला थे क्या? इस सारे एक्शन से वजीर आजम इमरान खान को आगाह किया गया? क्या सारी सूरत हाल से उन्हें बाखबर रखा गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह मॉडल टाउन में पुलिस ने पैट के कारकुनों के ऊपर सीधे फायर किए थे और वहां पर कुछ कुल्लू भट्ट हमारे सामने आए थे, आज सियासी कजन की हुकूमत को भी 3 साल होने को हैं, अभी तक साने मॉडल टाउन के असल मुल्जमान सामने नहीं आ सके। अगर उसमें शरीफ बरादरान या पंजाब हुकूमत के कोई वजरा होते तो यकीनन अब तक टंगे जा चुके होते, क्योंकि जिस तरह का उनके साथ रवैया चल रहा है, मेरे कप्तान उन्हें 1 सेकंड के लिए भी स्पेयर ना करते। मगर ऐसा लग रहा है कि वही एक्शन जो मॉडल टाउन में हुआ था वही अभी रिप्ले हुआ है। जिस तरह का पुलिस की जानब से बर्ताव किया गया, और सिर्फ पंजाब में नहीं, सिंध में, बलूचिस्तान में जो चीजें सामने आ रही हैं, ये एक ऐसी FIR है जो कटेगी आज के वजीर आजम जनाब इमरान खान के ऊपर, और वजीर दाखला शेख रशीद अहमद को यकीनन भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पिंडी वाले नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में खासे जज्बाती हैं, और क्यों ना हो, गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान भी जो है वो प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर अपनी जान निछावर करने में फख्र महसूस करता है, और हर सच्चा आशिक रसूल कादियानियत को काफिर करार देता है, क्योंकि आईने पाकिस्तान ने उसे गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है। जिस तरह आज 2-3 चीजें हुई हैं, आपने सिखों को के गलों में तो हार पहना रहे हैं, आगा शोरश कश्मीरी मरहूम के वो अल्फाज हमें आज भी याद आ रहे हैं कि मैं नहीं रहूंगा मगर आप देखेंगे कि किस तेजी के साथ कादियानियत और सिखिज्म फरोग पाएगा। आंखें खोलने के लिए काफी सारी चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। दूसरी जानब आपने देखा कि फ्रांस ने अपने शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से रोक दिया है, जबकि यूरोपीय ममालिक ने पाकिस्तान को हाई रिस्क करार दिया है। हम किस जानब जा रहे हैं, नुकसान किसको हो रहा है, और फ्रांस का वो जो तंजिया ट्वीट है उसे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखना यह है कि हमारे फर्जंदे पिंडी अब कौन सी गाड़ी में सवार होते हैं, और ये जो सारा खेल शतरंज की चाल बिछाई गई है, क्या मेरे कप्तान इससे निकल सकेंगे या माजी के हुक्मरानों की तरह वो भी इसमें फंस जाएंगे?